So hi everyone, welcome back to our channel JMDI Academy. Today we have Ansh Verma with us. Ansh, from where are you? I am from Dehradun. From Dehradun, okay. Dehradun se hi hain. So kaun se school se aap pass? Dun International. Dun International, superb. JMDI ke bare mein kaise pata laga aapko? JMDI ke bare mein YouTube se pata chala tha. 12th ke baad Merchant Navy join karna tha, to kuch aise process rectify kar raha tha ki kaise join kar sakta hu aur kaise assistance mil sakti hai, to iske रिगार्डिंग दैट्स ग्रेट. तो आपको क्या लगता है कि व्हाट वाज योर मेजर चैलेंज जो आपको फेस हुआ आपकी जर्नी में? सिलेक्ट करते हुए एज सच कोई चैलेंज तो नहीं था, वो डिसीजन उस पॉइंट में ले लिया था आराम से, तो एज कोई चैलेंज लगा. अच्छा, तो बेस्ट पार्ट ऑफ जीएमडी एकेडमी आपको लगता है? फैकल्टी इज़ वेरी गुड, और फैकल्टी कभी भी डाउट सेशंस वगैरह जब भी हेल्प चाहिए होती थी मैं तो चले जाता था अपने रूम से उठ के. सो एवरी टाइम दे आर अवेलेबल फॉर यू. ओके, सुपर. तो द व्यूअर्स दोज आर वॉचिंग फ्रॉम देहरादून, अभी बहुत सारे डाउट्स हैं बट स्टिल क्वेरीज तो बहुत हैं, बट मन में डाउट रहता है कि शुड आई परस्यू और नॉट, या क्या शिपिंग मेरे लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, तो उनको क्या एक आप मैसेज देना चाहोगे? जैसे शिपिंग अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा तो वो तो जाके पता चलेगा, और मन में ऐसा रहता है, इनसाइड रहता है कि हाँ जाना है जाना है, तो एक हम दे सकते हैं कि हाँ कि एफर्ट्स डाल सकते हैं अपने कि हाँ एक बार ट्राई करके देखते हैं और इस फील्ड में काम करके देखते हैं, तो पास होना या फेल होना तो हमारे हाथ में नहीं होता. दैट्स ग्रेट. आपको कितना टाइम हो गया एकेडमी में? अप्रॉक्स 8 मंथ्स हो गए. अप्रॉक्स 8 मंथ्स. तो एनी फेवरेट टीचर? फेवरेट टीचर जब जोशी सर से पढ़ता था तो काफ़ी अच्छा लगता था. राहुल सर भी बहुत अच्छा पढ़ाता है. ओके, राहुल सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जोशी सर से भी पढ़े काफ़ी अच्छा लग रहा है. तो प्रणीत सर से कितनी बार मिले हो? मिलते रहते हैं. अच्छा, डर सबसे ज़्यादा किससे लगता है, राहुल सर, प्रणीत सर या जोशी सर? नहीं, डर तो किसी से भी नहीं, डर किससे भी नहीं लगता. तो प्रणीत सर के साथ अगर आपको डिनर करने का मौका मिले तो क्या एक क्वेश्चन है जो उनसे पूछना चाहोगे? इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग, जब डेक क्रेडिट बनने के बाद इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है और कैसे मनी यूटिलाइज करना है, ये सब सबके रिगार्डिंग. चलो बहुत बढ़िया. जो व्यूअर्स देख रहे हैं बेटा, जो देहरादून से देख रहे हैं, जो ऑल ओवर इंडिया से जिनको JMDI एकेडमी ज्वाइन करना है या मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, उनको क्या एक एडवाइस आप देना चाहोगे? आ सकते हैं JMDI एकेडमी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिलती है यहाँ पर. और हाँ, स्ट्रगल्स रहते हैं, अलग अलग चैलेंजेस तो फेस करने पड़ते हैं, उसके बिना कुछ होता नहीं. बिल्कुल, स्ट्रगल्स तो देखो हर चीज़ में है, राइट, बट आपको ओवरकम करना आना चाहिए. हाँ, और आपको आगे बढ़ना, मूव ऑन हमेशा होना चाहिए. हाँ, और गिव अप नहीं करना. गिव अप कभी नहीं करना. चाहिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच.